हाँ। और तुम भी अपने जिंदगी किसलिए बर्बाद करने के लिए चाहती हो? लेकिन परदेशी जी मुझसे विवाह क्यों नहीं करने के लिए चाहते हो? इसीलिए मैं नहीं करने के लिए चाहता हूँ। हाँ। महल में पुत्र और पुत्री है और ये उम्र विवाह करने का नहीं है। मैं देख रही हूँ परदेशी जी, क्या आपको एक पुत्र एक पुत्री है? हाँ। उसकी तो माँ भी होगी। यही तो अफसोस की बात है, जन्म देते ही दोनों पुत्र का माँ गुजर चुका है। क्या दोनों बच्चे की माँ गुजर गए हैं? हाँ, इस दुनिया में मेरी महारानी जिंदा नहीं है। लेकिन परदेशी जी, दोनों बच्चे तो माँ के लिए रोते होंगे ना? हाँ बंजारिन, वो हर वक्त रोती रहती है। क्या उन दोनों बच्चे को माँ की याद आती होगी ना? हाँ बंजारिन। इसलिए परदेशी जी मुझसे विवाह अगर कर लेते हैं तो मैं उन दोनों बच्चे को मैं माँ की प्यार दूंगी, और जिस तरह उसकी माँ और उसी तरह मैं भी उसकी रक्षा करूंगी, अपने हाथों से भोजन बना दूंगी, अपने हाथों से कपड़े छाप पैक कर दूंगी, सारे काम मैं अपने हाथों से करूंगी, उन दोनों बच्चे को उस महल में तकलीफ नहीं होने दूंगी। नहीं बंजारिन, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। परदेशी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, इस जंगल के जितने भी जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, मेरे हुक्म में चलते हैं। क्या? अगर मैं एक बार आवाज लगाऊंगी, सारे जानवर आएंगे, आपको एक बोटी बोटी खा जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? यदि मुझे जानवरों ने खा जाएगा तो और महल में शंकर सुशीला किस प्रकार से रहेगी? इसलिए परदेशी जी, नहीं तो उस पार का रहिएगा, नहीं तो इस पार का। इसलिए परदेशी जी मुझसे विवाह कर लीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं दोनों बच्चे को अच्छे से रखूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी उस महल में। देखो बंजारन। हाँ परदेशी जी। यदि तुम हमारे साथ विवाह करने के लिए चाहती हो तो इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं? मैं अवश्य दोनों बच्चों के लिए आज मैं तुम्हें ये अपने महारानी स्वीकार करता हूँ। क्या? प्रणाम स्वामी जी। अरे मैंने तुमको देखा है, ये है मेरी मेहरबानी। अरे मैंने तुमको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। तू गलियों की रानी, मैं महलों का राजा। तू है महलों की रानी, मैं गलियों का राजा। परदेशी जी, यहाँ से चलो महेंद्रपुर नगर की ओर चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेंगे। फिर आप मुझे पत्नी स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? पहले वादा कीजिए, वादा करने के बाद आपके महल चलूंगी। ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं अवश्य वादा करूंगा। ये वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, तेरी चढ़ती जवानी चलते, तुम न मोड़, वादा न तोड़, ये वादा न तोड़।
तुमसे वादा करता हूँ। हाँ स्वामी जी। कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है स्वामी जी, इस जगह से अपने महल चलने की यात्रा कर देना चाहिए। क्यों नहीं, ठीक है स्वामी जी, यात्रा कीजिए। चलो चलते ही अपने महेंद्रपुर नगर की ओर। ठीक है स्वामी जी। हाँ।